हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर रहे हैं, जो कि आपके HCS प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हमने अभी तक जो डे नंबर आपका आज 14 है, इससे पहले हमने चार सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया है, जो कि है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, डिफेंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। तो आज आपका इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 2 है। दैट मीन्स इससे पहले इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 1 जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इन द सेम वे, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS Academy की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, उसके कंटेंट सेक्शन में जाके आप जो PDF है उन सबको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप सबके लिए। इन द सेम वे, अगर आप HCS की प्रेपरेशन कर रहे हैं, कुछ आने वाले अगले सालों में जो भी पेपर आएगा उनके लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने एक फाउंडेशन कोर्स जो है उसको लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर हमने हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल में कवर किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, आप एक बार जाकर उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने आज के करंट अफेयर्स से। जो सबसे पहली आपकी न्यूज है, दैट इज हार्बिंगर 2021 जो है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि किसने लॉन्च किया है। तो RBI ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है ताकि यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको किया जा सके, और इवन जो डिजिटल पेमेंट्स वगैरह हैं, जैसे हम आजकल जो सारी की सारी जो पेमेंट्स है वो पेटीएम वगैरह, UPI IDs इन सबसे करने लग गए ना, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए भी नई नई इनोवेशन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो RBI ने एक प्लेटफॉर्म ही लॉन्च कर दिया है ताकि जिसके पास भी नए नए आइडियाज़ हैं डिजिटल पेमेंट्स के रिगार्डिंग, तो वो अपने आइडियाज़ इस हार्बिंगर प्लेटफॉर्म के ऊपर दे सकते हैं। इन द सेम वे, हार्बिंगर की 2021 की आपने थीम भी याद रखनी है, दैट इज अ स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि RBI ने एक ऐसी स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। अब ये जो स्कीम है, एक तरह से एक प्लेटफॉर्म को उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो इस प्लेटफॉर्म के अंदर उन्होंने बोला है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अब रिटेल इन्वेस्टर्स क्या होता है, जैसे कि हमारे और आपके जैसे जो इन्वेस्टर हैं जो कि प्रोफेशनल्स नहीं हैं, ठीक है, उनको नहीं पता है कि कौन सी सिक्योरिटी को खरीदना उनके लिए बेनिफिट रहेगा, कौन सी सिक्योरिटी को खरीदना बेनिफिट नहीं रहेगा। तो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने, RBI ने एक स्कीम को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनकी ट्रेडिंग करी जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह रिलीज करती हैं तो उनको बाय और सेल किया जाता है, जो भी नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा। अब यहाँ पे इस स्कीम के अंदर एक अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम गिल्ट अकाउंट भी कह देते हैं। अगर मैं नॉर्मल गिल्ट अकाउंट को एक नॉर्मल बैंक अकाउंट से कंपेयर करूँ, तो बैंक अकाउंट में जो मनी है उसका डेबिट और क्रेडिट होता है। इन द सेम वे, जो गिल्ट अकाउंट है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ट्रेड होता है, मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी की डेबिट और क्रेडिट वगैरह होता है। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में बात करूं, तो यहां पर जो सरकार है, जब उसको कोई भी मार्केट से पैसा रेज करना होता है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करने लग जाते हैं। जब वो इशू करते हैं तो यहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो इन सिक्योरिटीज को खरीदते हैं, और यहां पर कुछ पैसा जो है वो सरकार को देते हैं इन बॉन्ड्स के, मतलब बदले में जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा जो है वो सरकार को देते हैं। तो यहाँ पे पैसा रेज होने की वजह से जो सरकार है इसको अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करी जाती है, ये कुछ पर्टिकुलर टेन्योर के लिए होती हैं। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हो गया आपका शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और एक हो गया आपका लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो शॉर्ट टर्म होती है वो ज्यादातर जैसे अलग अलग टेन्योर्स की होती है, 91 डेज की हो गया, 182 डेज की हो गया, 364 डेज की हो गया, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाली होती है वो एक साल से ज्यादा के टेन्योर की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं इनको खरीदते हैं, और इसी से ही जो सरकार है वो पैसे को रेज करती है और अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो HSBC इंडिया का बैंक है, जो HSBC है, सबसे पहली बात तो हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन जो इंडिया वाली ब्रांच है वो एक बैंक है जिन्होंने अपना सबसे पहला क्रेडिट कार्ड जो है वो पॉली विनाइल क्लोराइड प्लास्टिक से बनाया है। अगर मैं पॉली विनाइल क्लोराइड प्लास्टिक की बात करूं यहाँ पे, तो ये एक विनाइल क्लोराइड होता है जिसके बहुत ज़्यादा जो पॉलीमर्स हैं वो जुड़ने के बाद एक पूरा पॉलीमर बन जाता है, क्योंकि पॉलीमर का मतलब यही होता है कि जो मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स का मतलब एक सिंगल जो पॉली विनाइल क्लोराइड है उसके साथ बहुत सारे पॉली विनाइल क्लोराइड जो हैं वो जुड़ जाते हैं और इससे उसका पॉलीमर बन जाता है। तो इस प्लास्टिक से उन्होंने
ने सबसे पहला क्रेडिट कार्ड बनाया है और इसमें ये देखा गया है कि 85% प्लास्टिक को इन्होंने रिसाइकल करके इस क्रेडिट कार्ड को बनाया है, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा प्लास्टिक को एक तरह से सेव किया है। अब बात कर लेते हैं हम HSBC बैंक इंडिया के बारे में। तो ये एक फॉरेन बैंक है जिसका नाम मैंने आपको बता ही दिया, दैट इज़ हांगकॉन्ग एंड शंघाई कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है। इसकी जो इंडिया वाली ब्रांच है वो मुंबई के अंदर लोकेटेड है और इसको RBI द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसके अलावा ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। तो हुआ क्या था, बजट 2021 के अंदर RBI ने ये अनाउंस किया था कि हम नए बैड बैंक्स बनाएंगे। अब बैड बैंक्स को बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी कहा जाता है। पहले इसका पर्पस देख लेते हैं हम कि ये किस पर्पस के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उस बैंक से जो कस्टमर्स हैं, बोरोअर्स हैं, उन्होंने कोई ना कोई लोन लिया लेकिन वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो इसलिए उनका जो लोन है वो बन जाएगा NPA, दैट मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। अब जो बैंक है उसका काम होता है लोन वगैरह देना, है ना, तो अगर वो इसके अलावा दूसरे कामों में उलझने लगेगा तो इसका जो फाइनेंसिस है एक तरह से कम हो जाएगा और बैंक की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अब क्या ये करते हैं कि एक कंपनी अलग से बना देते हैं जिसको बोल दिया है बैड बैंक या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये जो कंपनी होती है वो इस बैंक से सारे के सारे जो NPAs हैं वो ले लेती है और बाद में जो भी बोरोअर्स हैं जिन्होंने अपने लोन नहीं चुकाए हैं तो उनसे यहाँ पे NPAs रिकवर करने का काम जो होता है वो इसी कंपनी का होता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो बैंक्स हैं उनकी एफिशिएंसी कम नहीं हो क्योंकि NPA रिकवर करने के लिए अलग से ही एक बैड बैंक बना दिया गया है। तो आपने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में याद रखना है। रिसेंटली RBI ने एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको लाइसेंस प्रोवाइड करा है एज ए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। अब ये जो लाइसेंस है एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर ही इशू किया जाता है जिसका नाम है सारफेजी एक्ट 2002 वाला। अगर मैं सारफेजी एक्ट के बारे में बात करूं, सबसे पहली बात तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कौन से साल में इस एक्ट को लॉन्च किया गया था। तो क्या है सारफेजी एक्ट का मतलब, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। तो इस एक्ट के तहत ही ये सारा कुछ बताया गया है कि कैसे आप जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उसको रिकवर कर सकते हैं जो भी बोरोअर्स हैं उनसे। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नाबार्ड ने कुछ जो पैसा है वो एक कंपनी को, अपनी ही एक सब्सिडरी कंपनी को अनाउंस किया है। सबसे पहली बात तो उनकी कौन सी कंपनी है, तो नाब संरक्षक ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर उन्होंने कुछ पैसा इन्फ्यूज़ किया है। अब ये जो पैसा है वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज़ होगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर उनको लोन चाहिए तो वो इस कंपनी से जाकर लोन ले सकती हैं। दैट मीन्स ये जो लोन है वो क्रेडिट गारंटी स्कीम के ऊपर बेस्ड है। क्रेडिट गारंटी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि नॉर्मल जो कस्टमर्स होते हैं वो बैंक से जाकर लोन लेते हैं, लेकिन जो बोरोअर्स होते हैं एक तरह से अपना पे कर देते हैं लोन, लेकिन कई बार ये जो बोरोअर्स होते हैं वो रिस्क में होते हैं कि क्या पता इनसे जो लोन है वो वापस आएगा कि नहीं। और ऐसे लोग होते कौन है, जैसे कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि क्रॉप डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ही लोन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए नाबार्ड ने ये इस पैसे को इन्फ्यूज किया है। बात कर लेते हैं एक बार नाबार्ड के बारे में, जो कि एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। एक्ट जो है 1981 के अंदर आया था जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट। 1981 में इसको इनैक्ट किया गया और उसके तहत ही नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। दैट मीन्स जो नाबार्ड है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। जो नाबार्ड है वो क्या करता है, अगर किसी भी विलेज के अंदर या फिर एग्रीकल्चर या फिर रूरल एरियाज के अंदर उन्होंने कोई ना कोई डेवलपमेंट करनी होती है तो उनको ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए जो नाबार्ड है वो एसोसिएटेड है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई के अंदर है और ये मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में ये फाइनेंस वगैरह को प्रोवाइड करते हैं। एक बार हम बात कर लेते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फार्मर है, इस फार्मर ने किसी एक बिजनेसमैन से डील करना है, तो ये जो बिजनेसमैन है वो इसकी क्रॉप क्यों खरीदेगा। पहली बात तो
अगर ये क्रॉप जो है वो अच्छी क्वालिटी की होगी और ज़्यादा क्वांटिटी की होगी तभी खरीद पाएगा ना, तभी ये एक दूसरे से डील करेंगे। तो यहाँ पे फार्मर्स जो हैं एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जो फार्मर्स हैं एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और अपना जितना भी यील्ड है उसको कंबाइन करके इस बिजनेसमैन के साथ डील करने लग जाते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल देते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको भी कहीं ना कहीं से ऑफकोर्स लोन चाहिए होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया, जो कि नाबार्ड है उन्होंने कुछ पैसा जो इन्फ्यूज किया है अपनी ट्रस्टी कंपनी के अंदर, तो वहां से ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये पैसा ले सकते हैं। तो आई होप आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेटस दिए जाते हैं सरकारी कंपनियों को, एक हो गया मिनी रत्ना स्टेटस, एक हो गया नवरत्ना स्टेटस और एक हो गया महारत्ना स्टेटस। तो रिसेंटली जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है उनको अभी महारत्ना का स्टेटस दिया गया है। दैट मींस अब ये जो कंपनी है वो 11th महारत्ना कंपनी हो गई है हमारी कंट्री के अंदर। इससे पहले हमारी कंट्री के अंदर टोटल 10 महारत्ना कंपनीज हैं। महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना के बारे में अभी हम थोड़ी देर तक देखते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। एक बार देख लेते हैं कि ये जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो कब बनाई गई थी और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये लाई करती है। तो 1986 के अंदर इस कंपनी को बनाया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई भी डेवलपमेंट करनी है पावर सेक्टर के अंदर तो उस सेक्टर में जो लोन वगैरह लिया जाएगा तो इस कंपनी से ले सकते हैं, क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्ना के बारे में। तो सबसे बड़ा जो सरकारी कंपनियों का स्टेटस होता है वो महारत्ना का स्टेटस होता है। तो ये जो स्टेटस है वो 2010 के अंदर अनाउंस किया गया था। जो भी हमारी मिनी रत्ना और नवरत्ना कंपनीज थी उनके एक तरह से एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इस स्टेटस को अनाउंस किया गया था। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जो कि इन कंपनीज को देखना होता है कि अगर इन्होंने ये क्राइटेरिया फुलफिल किया तभी इनको महारत्ना का स्टेटस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी कंपनी ने महारत्ना का स्टेटस लेना है अगर उसके पास नवरत्ना का स्टेटस है तभी उसको महारत्ना का स्टेटस मिलेगा। इन द सेम वे जो सेबी रेगुलेशंस के अंडर वो रेगुलेट होनी चाहिए, इसके अलावा उसकी कोई टर्न ओवर होगी, नेट वर्थ होगी, नेट प्रॉफिट कितना कमा रही है, तो ये सारा क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना पड़ता है, इसके बाद ही कंपनी को महारत्ना का स्टेटस मिल जाता है। तो आपने याद रखना है कि अभी हमारी कंट्री के अंदर टोटल 10 थी पहले, लेकिन अभी पावर फाइनेंस को ऐड किया तो टोटल यहाँ पे 11 कंपनीज महारत्ना स्टेटस की हो गई हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नवरत्ना स्टेटस के बारे में। तो नवरत्ना स्टेटस जो है वो नवरत्ना और मिनी रत्ना दोनों ही स्टेटस 1997 में अनाउंस किए गए थे कंपनीज के लिए, एक तरह से उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे इसको अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी कंपनी के पास मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस होगा उसी को ही नवरत्ना का स्टेटस मिलेगा। और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स सिलेक्ट कर लिए, अगर इस कंपनी ने इन सारे पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म किया है तभी उनको नवरत्ना का स्टेटस मिलेगा। और आपने याद रखना है कि अभी हमारी कंट्री के अंदर टोटल 14 ऐसी नवरत्ना कंपनीज हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मिनी रत्ना कंपनीज के बारे में। इसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 एंड मिनी रत्ना कैटेगरी 2। तो जो कंपनीज होते हैं सबसे पहले मिनी रत्ना का उनको स्टेटस मिलता है, इसके अंदर उनको अलग अलग जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ता है। ये भी जो मिनी रत्ना का स्टेटस है वो 1997 के अंदर ही अनाउंस हुआ था। और अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के अंदर टोटल 74 मिनी रत्ना कंपनीज हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हमने बात किया कि जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो महारत्ना कंपनी बन गई है, तो यहां पे उन्होंने सबसे पहली बार यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया है। देख लेते हैं कि यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जो कंपनी है, क्योंकि ये एक फाइनेंस कंपनी है, तो दैट मींस यहां पे ये बॉन्ड्स को इशू कर सकती है, ठीक है। बॉन्ड्स को इशू करेगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन बॉन्ड्स को खरीदेंगे और यहां पे कुछ जो पैसा है इस कंपनी को देंगे। अब इन्होंने क्या किया, इस जो बॉन्ड है इसको यूरो डिनोमिनेटेड है, दैट मींस ये जो बॉन्ड है वो यूरोज बेच के ही कोई पर्सन इसको खरीद सकता है। दैट मींस ये जो बॉन्ड्स है वो फॉरेन मार्केट के लिए लॉन्च किए गए हैं एक तरह से। अगर मैं बात करूं कि ये ग्रीन बॉन्ड है, ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये होता है कि यहां से जो भी पैसा रेज होगा वो जो पैसा है किसी ना किसी ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने में लग जाएगा, कोई ना कोई ग्रीन प्रोजेक्ट को एक तरह से डेवलप करने में लग जाएगा। अब ग्रीन प्रोजेक्ट होता क्या है, हमारी कंट्री के अंदर या फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड हैं, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है ऐसी चीजों को या ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एल आई
एलएलसी है, उन्होंने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है आनंदा। आनंदा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डीजी ऐप। अब एलआईसी ने क्योंकि इसको लॉन्च किया है, ये ऐप क्या करने वाली है, जितने भी एलआईसी एजेंट्स हैं अगर उन्होंने किसी भी पर्सन की एलआईसी करवानी है तो इस ऐप पर जाकर वो कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर कोई भी कस्टमर है जिसकी एलआईसी वगैरह हुई हुई है तो वो इस ऐप पे जाकर उसको देख सकते हैं कि उसका अभी क्या स्टेटस चल रहा है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे एलआईसी करवाने के लिए, उसको ईजी करने के लिए, एजेंट्स और दोनों कस्टमर्स को ईजीनेस लाने के लिए इस ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। बात कर लेते हैं एलआईसी के बारे में, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि एक सरकारी कंपनी है, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है। 1956 के अंदर इसको बनाया गया था और हमारे इंडिया की ये लार्जेस्ट इंश्योरेंस बिजनेस कंपनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिजिटल प्रयास के बारे में, जो कि एक बैंक ने लॉन्च किया है, जो कि है सिडबी बैंक। अगर मैं सिडबी बैंक के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर जो MSMEs हैं उनको डेवलप करने के लिए ये एक बैंक है। तो जो MSMEs हैं, जो भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम के इंटरप्राइजेज हैं, वो यहाँ से इस बैंक से जो लोन वगैरह हैं उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिजिटल प्रयास को एक ऐप को लॉन्च कर दिया गया है ताकि जो MSMEs हैं अगर उनको कोई भी लोन वगैरह चाहिए तो वो इस ऐप पे जाकर वो लोन वगैरह ले सकते हैं, एक तरह से उनमें ईजीनेस लाने के लिए। बाकी एक बार सिडबी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, तो हमारी कंट्री के अंदर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि MSMEs हैं उनको डेवलप करने के लिए ये जो बैंक है लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। इसको 1990 के अंदर बनाया गया था एक एक्ट के द्वारा, तो दैट मीन्स ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। इन द सेम वे इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो लखनऊ के अंदर लोकेटेड है और ये MSMEs को स्ट्रेंथन करने के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो NTPC है उन्होंने लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है वो गुजरात के अंदर बनाने की बात करी है। कौन से रीजन में उन्होंने बनाने की बात करी है, तो खावड़ा गुजरात के अंदर जो रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है वहां पे इस सोलर पार्क को लगाया जाएगा। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी रहेगी, 4.75 गीगावाट रहेगी। ठीक है, तो इस कैपेसिटी का जो सोलर पार्क है वो गुजरात के अंदर लॉन्च हुआ है। अगर मैं NTPC की यहां पे बात करूं तो NTPC जो कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसको हम NTPC REL भी कह देते हैं। दैट मीन्स ये ऐसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अंदर, दैट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करती है, तभी इन्होंने गुजरात के अंदर सोलर पार्क्स लगाए हैं। क्योंकि आपको पता है कि सोलर पार्क्स के अंदर जो सोलर एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट मीन्स ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। अगर मैं NTPC की बात करूं तो ये भी एक महारत्ना कंपनी है जिसका की हेडक्वार्टर्स जो है मतलब बेसिकली न्यू दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। NTPC है वो हमारी कंट्री के अंदर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को एक तरह से प्रमोट करने के लिए और ग्रीन प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए इन सब चीजों को प्रमोट करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पेशल क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे ये जो स्कीम है, सबसे पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। वो इसीलिए लॉन्च किया है ताकि जितने भी MSMEs हैं अगर उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन करनी है तो वो इस स्कीम का यूटिलाइज कर सकती हैं। इस स्कीम के अंदर होगा क्या, अगर किसी MSME ने कोई मशीनरी वगैरह खरीदनी है तो उसमें जो कुछ परसेंटेज है, उसमें जो सब्सिडी है उस मशीनरी को खरीदने की, वो सरकार प्रोवाइड करेगी ताकि वो जो MSME है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पे ध्यान दे और उस MSME में कोई भी चीज़ खरीदने का कॉन्स्ट्रेन ना हो। तो एक तरह से MSME को इनोवेट, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशन लाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें सरकार जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। अगर मैं बात करूं माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की, तो यहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरीज हैं, जो बिजनेसेस वगैरह हैं, कि माइक्रो कब होंगे, स्मॉल कब होंगे और मीडियम कब होंगे, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनका कितना टर्नओवर है। तो यहाँ पे एक लिमिटेड क्राइटेरिया रखा हुआ है, जैसे कि अगर किसी भी बिजनेस का 1 करोड़ तक के नीचे की इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ तक के नीचे की टर्नओवर है तो ऐसी कंपनी को बोल दिया जाएगा माइक्रो कंपनी। इन द सेम वे अगर मैं स्मॉल इंटरप्राइजेस की बात करूं यहाँ पे, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच की होनी चाहिए। टर्नओवर भी यहाँ पे कुछ लिमिट रखी हुई है, जैसे कि 50 करोड़ से नीचे की होनी चाहिए। अगर मैं मीडियम की बात करूं तो ये भी 20:100 करोड़ है, दैट मीन्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो 20 करोड़ से नीचे की होनी चाहिए और जो टर्नओवर है उनकी वो 100 करोड़ से नीचे की होनी चाहिए।
दैट मीन्स 50 से 100 करोड़ के बीच की होनी चाहिए। तो ये आपने एमएसएमई के जो क्राइटेरिया है उसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक रिपोर्ट आती है जो कि रेमिटेंसेस के ऊपर बेस्ड होती है। सबसे पहली बात, रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारी कंट्री के कुछ जो लोग हैं वो बाहर जाए रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाए रहते हैं, अब वहाँ से वो कुछ फंड्स जो हैं उसको ट्रांसफर करते हैं, कुछ गिफ्ट्स वगैरह ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को बेसिकली पैसा भिजवाते हैं ना, ऐसी चीज़ों को हम बोल देते हैं रेमिटेंसेस। तो अगर मैं रेमिटेंसेस की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है। इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंसेज है वो इंडिया के पास आते हैं। दैट मीन्स बाहर से जितने भी लोग एक तरह से पैसा भिजवाते हैं इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो इंडिया के अंदर आता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बिगेस्ट सोर्स है। दैट मीन्स हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो यूनाइटेड स्टेट से आता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे है चाइना, फिर है थर्ड पे मेक्सिको, फिलीपींस और इजिप्ट हो गया। तो आपने याद रखना है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेज आते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ की बात करूँ, तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस ब्रीफ को निकालते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। तो रिसेंटली बेसिकली ये न्यूज़ में हमेशा रहते ही रहते हैं। अगर मैं इस एक्ट के बारे में बात करूं तो 2010 के अंदर इस एक्ट को बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर जो अमेंडमेंट है वो कब आई? 2020 के अंदर। अमेंडमेंट के तहत यहां पे कुछ चीजों को चेंज किया गया। पहले बात कर लेते हैं कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट होता क्या है। तो यहां पे हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी एनजीओज हैं, अगर उनको बाहर से पैसा चाहिए, दैट मींस उनको बाहर से क्या चाहिए? फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो बाहर से फंड्स वगैरह ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फंड्स वो ऐसे ही नहीं ले सकते, इस चीज को रेगुलेट करने के लिए भी जो हमारा होम मिनिस्ट्री है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो 2020 वाला अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई। फॉर एग्जांपल, जितने भी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं, वो बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। जैसे कि उन्होंने बोला ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स के बारे में, कि एक एनजीओ जो है वो दूसरे एनजीओ को जो पैसा है, बाहर से पैसा लिया गया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ली गई है, वो दूसरे एनजीओ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इन द सेम वे उन्होंने बोल दिया कि आधार मैंडेटरी है इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए, और इनका जो सर्टिफिकेट है वो अपने आप भी जो एनजीओ है वो खुद सरेंडर कर सकती है। इसके अलावा इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सरकार भी कैंसिल कर सकती है। तो ये सारी कुछ चीजें जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2020 के अंदर अनाउंस करी गई। ऐसे ही उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि अगर किसी ने बाहर से कंट्रीब्यूशन लेनी है तो सिर्फ एक ही बैंक में ले सकते हैं, वो भी दिल्ली की ब्रांच के अंदर, जो SBI बैंक है। तो उसी बैंक के अंदर आप बाहर से कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। इन द सेम वे उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी एनजीओ ने दोबारा से रिन्यू करवाना है अपने सर्टिफिकेट का, रजिस्ट्रेशन का, तो वो 5 साल बाद करवा सकते हैं। इन द सेम वे उन्होंने ये भी बोला कि आप जो भी बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं, सिर्फ उसका 20% जो है वो है एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन पहले कितना था? 2010 के अंदर वो 50% था। तो ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। तो यहाँ पे ऐसी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनको अलग अलग परसेंटेज दी गई है वेटेज के हिसाब से। तो इस इंडेक्स के अंदर जितनी भी ये इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर कितनी वॉल्यूम का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ये इंडेक्स बताता है। बात कर लेते हैं कि कौन इस इंडेक्स को निकालता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक DPIIT डिपार्टमेंट है, इसके अंदर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस इंडेक्स को निकालते हैं। इस इंडेक्स का जो 40% है एक दूसरे इंडेक्स से आता है जिसको हम बोल देते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके बारे में अभी थोड़ी देर तक देख लेते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं और इनकी आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेटेज पता होनी चाहिए। जैसे कि जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं उसका 28% कॉन्स्टिट्यूट करता है ये इंडेक्स। इन द सेम वे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज का 90% हो गया, स्टील हो गया, कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। सबसे कम जो है पे फर्टिलाइजर कंट्रीब्यूट करता है इस इंडेक्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि पिछले इंडेक्स के अंदर मैंने बताया कि 8 कोर इंडस्ट्रीज में कितनी प्रोडक्शन हो रही है वो बताएगा, इन द सेम वे इंडस्ट्रीज के अंदर कितनी प्रोडक्शन हो रही है वो ये इंडेक्स बनाएगा। कौन रिलीज करता है इस इंडेक्स को? तो मौसपी मिनिस्ट्री के अंदर एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। अब इस इंडेक्स के अंदर भी कुछ जो वेटेज है वो कुछ सेक्टर्स को ज्यादा दी जाती है, जैसे कि माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो गया। आपने याद रखना है कि इसका जो बेस ईयर है
कि किस बेस ईयर के हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है, तो वो कितना रखा गया है, 2011-12 का रखा गया है। इसका आपने याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री इसको निकालती है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपके यहाँ पे जो भी इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हैं वो थोड़े कवर हो गए हैं। इसके अलावा भी कुछ करंट अफेयर्स रहते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।